हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नारायण सरोवर के बारे में, जो गुजरात के कच्छ एरिया में आया हुआ है। ये पवित्र सरोवर पांच पवित्र सरोवर में से एक पवित्र सरोवर है और इसी सरोवर के नज़दीक 2 किलोमीटर की दूरी पर है कोटेश्वर महादेव टेम्पल, जहां भगवान शिव कोटेश्वर महादेव के स्वरूप में विराजमान है। तो पूरे भारतवर्ष में हिंदू धर्म के पांच पवित्र सरोवर आए हुए हैं, उसमें से ये है नारायण सरोवर। जो पांच पवित्र सरोवर है उसमें एक है कैलाश में स्थित मान सरोवर, देन बिंदु सरोवर, पुष्कर सरोवर और भुवनेश्वर में है पंपा सरोवर। ये पांच पवित्र सरोवर है, इसमें से एक है ये नारायण सरोवर, जहाँ पर सिंधु नदी और समुद्र का संगम होता है। उसी किनारे पर, इसी पवित्र जगह पर हजारों साधु मुनि संतों ने यहाँ पर तपस्या की हुई है, तप किया हुआ है। इस सरोवर के नाम में से ही नारायण है और नाम में ही नारायण है, तो उससे ही उसकी पवित्रता और भी ज़्यादा होती है। यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य भी आ चुके हैं, इसी जगह पर भगवान राम भी इस नारायण पवित्र सरोवर में विजिट कर चुके हैं और इसी जगह पर और भी मंदिर बनाए हुए हैं, जहाँ पर जो कच्छ के महाराजा के महाराज माता थे, उन्होंने जो देशभक्त दीवान सेठ थे देवकरण के टाइम में, इसी जगह पर लक्ष्मी नारायण, गोवर्धन नाथ, आदि नारायण, त्रिकम नाथ, द्वारका नाथ, रणसोड़नाथ, लक्ष्मी जी के और भी मंदिर उन्होंने, राजमाता ने यहाँ पर बनाए हुए हैं। उस उपरांत यहाँ कल्याण राव, महाप्रभु जी, भयेश्वर, रामनाथ, रामचंद्र के मंदिर, लक्ष्मण गुफा, राम गुफा, शेष गुफा, ऐसे कई प्रकार के धार्मिक स्थान यहाँ पर आए हुए हैं। और जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं यहाँ हर साल आते हैं, जो कार्तिक पूर्णिमा होती है यहाँ, उस टाइम यहाँ एक भव्य मेला का आयोजन होता है। उस टाइम इस मंदिर और इस पवित्र सरोवर को रोशनी और फूलों से सजाया जाता है और हजारों धार्मिक श्रद्धालु यहाँ आकर अपने आप को धार्मिक स्थान पर आने की एक अनुभूति होती है, एक मन की शांति होती है, उनकी यात्रा सफल होती है। तो ऐसा पवित्र सरोवर जो कच्छ में आया हुआ है, तो एक बार इस पवित्र सरोवर का दर्शन करना, इस पवित्र सरोवर में स्नान करना एक जीवन का एक अनेरा अवसर माना जाता है। मेरा इस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।